बिना फिल्म के गोविंदा कैसे साफ रहे है इतना सारा पैसा। गोविंदा बॉलीवुड का एक ऐसा चमकता सितारा जिसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 90 के दशक में राज किया करती थी। 80-90 के दशक में उन्होंने कॉमेडी में हाथ आजमाया और फिर ऐसे आ गए कि कॉमेडी किंग बन गए। गोविंदा ने आंटी नंबर वन, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन, राजा बाबू, साजन चले ससुराल जैसी कई कॉमेडी फिल्में की। उस दौर में गोविंदा के साथ फिल्म करने की तमन्ना एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक की होती थी। एक समय आज का है जो गोविंदा को कोई फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी गोविंदा करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ये स्थिति आ गई है कि वह बॉलीवुड से मिले दर्द को जालिम लोशन के बहाने बांट रहे हैं। अभी वह जालिम लोशन के ब्रांड एम्बेसडर है। गोविंदा करीब 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। उसकी कमाई रियल एस्टेट से भी होती है। साल के लगभग 16 करोड़ इसके जरिए कमाते हैं। गोविंदा ने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में काम किया है। गोविंदा को 12 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है।